खबर आगर मालवा से, जहां सुसनेर में 6 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार हुआ। 5 पुलिया के पास स्थित नाबालिग के परिवार की दुकान में ये वारदात हुई। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में आरोपी रामगोपाल पिता नग्गा मेघवाल निवासी नंदना के खिलाफ बलात्कार और पॉस्को एक्ट में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बालिका के परिजनों ने सुसनेर थाना प्रभारी विजय सांगरिया के कार्य की सराहना की, तो वहीं बालिका के परिजनों ने आरोपी को फांसी पर चढ़ाने की मांग की है। आगर मालवा से सचिन खरे की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम आशिक मंसूर है। आपके जो भतीजे के साथ एक बलात्कार का मामला सामने आया, क्या है कुछ मामला, कैसे क्या घटना हुई? मतलब वो बंदा आया था मतलब वहाँ पे घर पे, और वो सिपारा पढ़ रही थी, सिपारा पढ़ रही थी वो, तो उसकी अम्मी बर्तन मांज रही थी, और वो मतलब 2 जन घर पे थे लेकिन वो अंदर थे। उस बंदे ने मतलब बाहर का बाहर ही करा, और शटर भी ऊपर नहीं करा, और उसने घटना को अंजाम दिया। कहाँ का निवासी था वो? वो नानना का था, पास में 2 किलोमीटर दूर गाँव का। कौन सी तहसील लगती है? सुसनेर तहसील। क्या नाम था उसका? शायद गोपाल मेघवाल है सर। पुलिस ने उसको पकड़ लिया है? हाँ, पुलिस ने उसे 1-2 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया था। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी, अभी तक तो पुलिस की कार्रवाई से पूरे संतुष्ट है, लेकिन संतुष्ट मतलब अभी तक है नहीं। एक तरीके से पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, लेकिन जब तक उसे फांसी नहीं होगी तब तक तो संतुष्ट नहीं है। तो इसमें आप सबसे ज़्यादा किसकी सराहना करेंगे? TI की करेंगे, किसकी करेंगे आप? जी, TI साहब की करते हैं, जिसके बाद परेटे साहब, थोड़ी सी अच्छी पहचान भी उनसे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी मदद करी। सारे लोग अच्छे मतलब साथ दे रहे हैं। अभी TI साहब आए थे यहाँ पर? हाँ, TI साहब आए थे। एक पीड़िता जो है अपने नानी के घर पर गई थी, उन्हीं की जो है रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, वहीं पर बच्ची अकेली थी, और कल सुबह लगभग 10:30 बजे घटना है ये। तो आरोपी जो है वो आया और घटना घटित करके चले गया। हम लोगों को सूचना मिली, चूँकि आरोपी अज्ञात था, उसका हुलिया उन्होंने बताया था कि भाई वो किस प्रकार के कपड़े पहना हुआ था। इसी आधार पर फिर हमने तत्काल जो है प्रभाव से अपना फोर्स डिप्लॉय किया, और आरोपी को जो है लगभग 2 घंटे के भीतर ही हमने पकड़ के गिरफ्तार किया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है। सर, इस बीच इस घटना के चलते लोगों में आक्रोश भी होगा, उस आक्रोश को आपने कैसे संभाला और चंद घंटों में आपने उसका पर्दाफाश किया, कैसे आपके किस तरह सफलता मिली? सफलता ये कि घटना एक्चुअल में काफ़ी जो है संवेदनशील थी, तो उसमें शीघ्रता से कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, और हमारे पूरे पुलिस स्टाफ के द्वारा जो है वो इसमें संवेदनशीलता से एक्शन लिया, और जल्दी जल्दी जो है घेराबंदी करके हमने पकड़ाया आरोपी को। दूसरा, कुछ लोग आक्रोशित भी थे इस चीज़ को लेकर, घटना को लेकर, उनको भी हम लोगों ने समझाइश देकर जो है शांत किया है। बाकी खेल